हेलो दोस्तों, आईटीसी का डीमर्जर होगा या नहीं होगा, उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हम खुद एनालाइज़ करें कि इनके हर सेगमेंट की कितनी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में। तो अपने रिसर्च करना जैसे बहुत ज़रूरी है, उससे ही हमें आइडिया होगा कि आईटीसी का डीमर्जर होगा या नहीं होगा, और शायद होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए। तो आईटीसी के ये चार पाँच सेगमेंट्स मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट से उठाए हैं, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये भी इनके एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएंगे ईयर 2020 के। उसके बाद एक जो कॉमन खर्चे हैं इनके, इलिमिनेशन, फाइनेंस कॉस्ट, कॉर्पोरेट एक्सपेंस, इंटरेस्ट जो इन्होंने कमाया है, उसको बायफिकेट करके रेवेन्यू के हिसाब से एक आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निकालने की कोशिश की गई है, और उसमें से एक ईपीएस निकालने का कोशिश किया गया है कि हर सेगमेंट से कितना ईपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो टोटल ईपीएस आया है 12.14, ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है जितना आईटीसी का कंसोलिडेटेड ईपीएस है। उसके बाद अगर हम जैसे इंडस्ट्री का पीई रेशियो लेके इसको हम देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो जैसे सिगरेट्स का 16 दिया है, एफएमसीजी का 66 दिया है, होटल्स का 13 दिया है, तो उसके बेसिस पे ये वैल्यू आती है आईटीसी की, और जिसमें से टोटल जो कंबाइंड वैल्यू आती है अगर सिंपली इनको ऐड किया जाए तो 225 रुपीज़ के करीब आती है, जो कि अभी मार्केट प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें एक चीज़ ये देखने की है कि इतने कम ईपीएस के बावजूद एफएमसीजी में इतना ज़्यादा उसको वैल्यू अनलॉकिंग करके उसको डीमर्ज करने का शोर क्यों हो रहा है मार्केट में। तो इसका रीज़न ये है कि एक बार अगर इसको डीमर्ज करेंगे तो इसमें एक तो जो इसकी ग्रोथ पोटेंशियल है, जो इसका सीएजीआर है पिछले 18 सालों का, तो वो एक जो है वो अलग से निकल के आएगा, और उसमें जो ईपीएस है उसकी ग्रोथ होगी। तो कंपनी जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग इस हिसाब से करेगी कि ये जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेट बेसिस पे निकाली गई है, ये इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो, और पीई रेशियो के बाद जो इसका बेनिफिट है, जो मार्केट प्राइस है, वो और ज़्यादा मिले। तो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि इसका सीएजीआर कितना है, मतलब क्या इसकी जो ग्रोथ है, जो डीमर्जर की जो मांग हो रही है वो बेसिकली इस सेगमेंट के ग्रोथ के कारण हो रही है। सिगरेट्स, होटल, जागरी, पेपर में लोगों को इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है जितनी इसमें दिख रही है। तो क्या वाकई में ये वो ग्रोथ जस्टिफाइड है या बस एक मार्केट का स्पेकुलेशन है और शोर मचा हुआ है? तो यहाँ पे एक वैल्यू निकालने की कोशिश करी गई है, और ये थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया, बट इसकी जो वैल्यू आती है वो करीब करीब 30% के करीब इसकी एनुअल वो आती है सीएजीआर। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 30.33% के करीब आती है पिछले 18 सालों की। आप देख सकते हैं 109 करोड़ से आज की डेट में ईयर 2020 में इसका जो ग्रोथ है वो 12,844 जो है इसका रेवेन्यू प्रोजेक्ट हुआ है। तो जो सीएजीआर है, जो ग्रोथ रेट का शोर मच रहा मार्केट में, वो डेफिनेटली जस्टिफाइड है, और बाकी सेगमेंट्स जो हैं वो इसके ईपीएस को थोड़ा ड्रैग डाउन कर रहे हैं। अगर रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो इसी तरीके से होगी कि आफ्टर रेवेन्यू, आफ्टर टैक्सेशन, जो अगर इस सेगमेंट का जो रहेगा ईपीएस वो बाकी सेगमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, और उसका जो ग्रोथ है वो उस ईपीएस में रिफ्लेक्ट हो, इसलिए मार्केट में इसका थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा है। बात करते हैं इनके एफएमसीजी बिज़नेस की कवरेज की। तो आईटीसी जो अभी है वो 4.3 मिलियन स्टोर्स में है इंडिया के, आउट ऑफ 8 मिलियन, और जो कि 53.75% कवरेज आती है। एचयूएल की बात करें तो उनका कवरेज सबसे ज़्यादा है 78.75, और नेस्ले की बात करें तो 4.5 मिलियन स्टोर्स में है, जो कि करीब करीब आईटीसी के करीब ही है। तो आईटीसी में अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है, करीब करीब 47% स्टोर्स जो हैं वो अभी और कवर कर सकते हैं। तो मैकेंजी की भी एक रिपोर्ट है ये, जिसके कारण जिसमें वो कह रहे हैं कि आईटीसी जो है वो ओवरऑल अपना जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अप टू 20%। उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी एफएमसीजी के ईपीएस में रिफ्लेक्ट होगा। आईटीसी का प्लान है कि वो $8 ट्रिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करें ईयर 2030 तक, और काफ़ी अच्छी स्पीड से वो लग रहा है कि ये इसको शायद अचीव भी कर लेंगे। और 25,000 करोड़ के उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 65 प्रोजेक्ट्स को लाइनअप किया हुआ है। तो क्या दोस्तों इसका ये मतलब है कि आईटीसी का डीमर्जर होके ही रहेगा? इसका ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि डीमर्जर का होके ही रहेगा, बल्कि अभी मार्च में जब कवरेज हुई थी जी बिज़नेस पे और अदर न्यूज़ चैनल्स पे कि ये प्रोसेस में है, तब आईटीसी ने इसको बस एक स्पेकुलेटिव न्यूज़ बोल के मना कर दिया था। अगर आप 2020 की एनुअल रिपोर्ट खोल के देखेंगे आईटीसी की, तो आप देखेंगे कि इन्होंने एक ये लोगो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने उसमें एनुअल रिपोर्ट में। और अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसको इन्होंने सिनर्जी का जो इनको बेनिफिट होता है उसको उन्होंने काफ़ी जस्टिफाई करने की कोशिश करी है अपने एनुअल रिपोर्ट के थ्रू, जिसका मतलब यह है कि वो सिनर्जी बेनिफिट को समझते हैं और शायद वो डीमर्जर के इतना प्रति नहीं है इंक्लाइंड। इसमें जैसे आप देख सकते हैं
कि सिग्निफाई आईटीसीज ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन अक्रॉस सेक्टर्स, इंटरलिंक लूप्स इन द मिडल रिप्रेजेंट द सिनर्जीज बिटवीन आईटीसीज डाइवर्स बिजनेसेस कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स कंपेटिटिवनेस। इस लोगों को इन्होंने थ्रू आउट अपनी रिपोर्ट में बहुत यूज़ किया है, और जिसके चलते ये लगता है कि शायद सिनर्जी बेनिफिट्स जो हैं वो आईटीसी उसको यूज़ करना चाहती है। मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने सिनर्जी बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए